अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ख्वाजा साकिब है और मैं नीलम वैली से बिलोंग करता हूँ और हम लोग मुजफ़्फ़राबाद शिफ्टेड हैं। मैंने रिसेंटली ग्रेजुएशन किया है BS एजुकेशन में। तो मेरा जो स्टार्टअप आइडिया था वो है जी टेराक्वेस्ट, एक ट्रेवलिंग एजेंसी स्टार्ट करना चाहता हूँ। नाम थोड़ा सा अलग है रवायती नाम से। असल में इसमें ये जो टेरा एंड क्वेस्ट ये यूज़ हुए हैं, ये दोनों अपना लैटिन वर्ड्स हैं। टेरा का मतलब होता है अर्थ या ज़मीन, और जबकि क्विस्ट आ जाता है कि सर्चिंग फॉर एडवेंचर या जर्नी वगैरह। यानी इस दोनों को मिला के ये बनता है टेरा क्विस्ट, मीन टू से कि किसी ज़मीन पर किसी एडवेंचर या जर्नी की सर्च करना या नई चीज़ तलाश करना। बेसिकली हमारा जो का गोल है, क्योंकि नाम भी थोड़ा यूनिक है, तो इसमें थोड़े यूनिक यूनिक आइडियाज़ हैं। सबसे पहले एक तो ये है कि मतलब जो टूरिस्ट आते हैं, जो यानी कि यहाँ पे घूमने आते हैं हमारे नीलम वैली में, तो हमारा ये है कि हम उनको ऐसा माहौल प्रोवाइड करें यानी कि वो सिर्फ वकेशन जो है वो गुजारने ना आएँ, बल्कि वो मेमरीज़ बना के जाएँ। ठीक है, एक तो होता है रवायती तरीका, आए होटल्स में बैठे पिक्चर्स ली गए चले गए। नहीं, हम कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करना चाहते हैं कि वो जो है ना यानी कि मेमोरीज़ बना। हमारा ये है कि हमारे साथ जो लोग एडवेंचर करें, लाइक अगर कपल आते हैं फ़र्ज़ करते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो कल्चर है, लाइक यहाँ पे नीलम वैली में मोस्टली जो अगर हम लोग थोड़ा सा बैक जाएं तो वहाँ पे जो है वो अभी भी कश्मीरी कल्चर जो प्रिजर्व है, शलवार कमीज़ ये वो जो कश्मीरी फेरन होता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मतलब जो हमारे टूरिस्ट आएँ तो हम लोग उनको उस कल्चर में या उस लिबास में मलबूस करें, ठीक है, जो हमारा लिबास है। एक तो वो होता है ना, वो अपने लिबास में आते हैं या वो मतलब उसमें पसंद करते हैं पिक्चर लेना है वो। मैंने थोड़ा इसको मतलब अलग नज़रिए से देखता हूँ कि वो हमारे लिबास में मलबूस हैं, थोड़ा सा हमारे जिस तरह के लाइक हमारी वमेंस जो काम करती हैं, लाइक चूल्हे पे रोटी पकाना या इस तरह के कुछ काम, अगर वो लाइक कपल आए वो काम करें और उसकी एक साइनामेटिक वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी हो, तो ये मतलब थोड़ा डिफरेंट इम्पेक्ट डालेगा और इसमें इससे ये भी होगा कि हमारा कल्चर भी जो है प्रिजर्व रहेगा। अच्छा, इसके अलावा मेरा ये है कि मतलब थोड़ा सा ये है कि जो लोग हमारी तरफ घूमने आते हैं तो उनको एंटरटेन करने के लिए हमारी जो यानी नेटिव गेम जो लगा है गेम्स होती हैं, तो उनमें जो है उनको पार्टिसिपेट करवाया जाए। लाइक उनके लिए कुछ जो लोग टूर प्लान कर रहे हैं तो उनके लिए कुछ गेम्स अरेंज की जाएं। तो हम मैं ये चाहता हूँ कि जो मैं स्टार्टअप लूँ तो उसमें मैं कुछ गेम्स ऐड करूँ, जो लोग यानी वॉलंटियरली खेलना चाहें तो वो कुछ गेम्स, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत इतना ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत घूमता रहता हूँ, लेकिन अक्सर मतलब ये होता है कि वहाँ पे मुझे खेलते हुए देख के मुझे अक्सर ये ख्वाहिश होती है कि यार इनके साथ मैं भी खेलूँ। मैं अक्सर दोस्तों को कहता हूँ कि यार इनसे टाइम मांगो और कहो कि दो वाले मुझे भी खेलना, लाइक मैं क्रिकेट में इंटरेस्टेड हूँ, ये चीज़ मैं थोड़ा ऐड कर। उसके अलावा मेरा ये है कि थोड़ा सा लाइक थोड़े चैलेंज दिए जाएं, छोटे मोटे चैलेंजेस जिसमें थोड़ा सा जो है एडवेंचर पैदा हो, थोड़ा सा चैलेंज फॉर सर्वाइवल हो, या कुछ इस तरह के चैलेंज। लाइक कैसा हो गया कि आप एक दिन हम डेस्टिनेशन रख लें, वहाँ पे हमने जाना है, वहाँ से घूम के आना है, लेकिन कोई भी बंदा जो है फ़ोन नहीं यूज़ करेगा, इस तरह के छोटे मोटे चैलेंजेस, ये भी मैं चाहता हूँ कि उसके ऐसे। अलावा जो लोग इनके थोड़ा सा एस्थेटिक माहौल को पसंद करते हैं, लाइक रात को बॉनफायर हो गया, या उसके अलावा जो शायरी की महफिल हो गई, सिंगिंग कंपटीशंस हो गया, या इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो ये थोड़ा सा मेरा ये भी है कि जो एस्थेटिक सी चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा कुछ लोग थोड़ा सा मतलब रवायत से हट के वो करते हैं, वो जस्ट मतलब अगर जाते हैं ट्रैवलिंग के लिए तो सिर्फ खाने पीने पे ध्यान नहीं होता, थोड़ा सा हट के होता है। तो मेरा ये है यानी कि मेरे जो स्टार्टअप का पूरा जो एम डिपेंड करता है वो इस पर डिपेंड करता है कि जो लोग आए हमारे साथ, एक तो वो सेटिस्फाई होकर जाएँ, और उसके अलावा सिर्फ वो रवायती जो है वो टूर करके ना जाएँ, बल्कि वो मेमरीज़ बना के जाएँ।